अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जुम्मा मुबारक। एक बहुत ही जबरदस्त सी सुबह और सुबह के बाद बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रहा है। बारिश हल्की हल्की हो रही है, मौसम की शिद्दत में कमी आ गई है, गर्मी जो हो रही थी उसमें भी कमी आ गई है। और जब ऐसा जबरदस्त मौसम हो तो कुछ जबरदस्त से पकवान तो बनते ही हैं। पिछले दिनों मैंने आपसे बहुत ही डिफरेंट रेसिपी शेयर करी, जिसमें पकौड़े थे भुट्टे और बेसन के, वो भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करे। और आज भी कुछ स्पेशल दिन पे स्पेशल लंच होने वाला है, तो चलिए हमारे साथ हमारे किचन में और हम दिखाते हैं कि क्या स्पेशल बनने वाला है। तो चलिए। जी फ्रेंड्स, किचन में आ गए हैं और सालन तो हम चढ़ा देते हैं नाश्ते के बाद ही। और ये इस वक्त जो है गोश्त हमारा गल चुका है, प्याज भी इसमें घोट दी है और आज के स्पेशल दिन पे बन रहा है भिंडी गोश्त, जो कि सीजनल है। बहुत अच्छी भिंडियाँ आई हुई हैं और साथ ही ज़बरदस्त बन रहे हैं शाही टुकड़े। शाही दिन है, स्पेशल दिन है, ब्लेस्ड फ्राइडे है तो स्पेशल ही होना चाहिए। और ब्रेड हमने फ्राई कर ली है, साथ में इसकी रबड़ी भी तैयार हो रही है, जो कि हम दूध से पका पका के इसको बिल्कुल रबड़ी वाला टेक्सचर दे रहे हैं। और ये देखिए, हमारा शाही टुकड़ों का जो दूध होता है या रबड़ी होती है वो बिल्कुल तैयार हो गई है और हम इसको फाइनल की तरफ लेके जा रहे हैं। और तमाम जो ब्रेड हमने फ्राई करी हुई थी उसको इस तरह से रबड़ी दूध में डाल रहे हैं ताकि अच्छे से ये तमाम चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएं। और ये हमारे शाही टुकड़े जो हैं फाइनल लुक की तरफ आ गए हैं। गार्निशिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ज़बरदस्त दिन को ज़बरदस्त तरीके से मनाया जाता है और मौसम भी इतना शानदार हुआ हुआ है कि उसमें डिफरेंट तरीके के पकवान ज़रूर पकाए जाते हैं। और बहुत ही टेस्टी किस्म के शाही टुकड़े हमारे तैयार हो रहे हैं। हमारा बेहतरीन सा दस्तरखान रेडी होने वाला है। इस तरह से वन बाय वन हमने तमाम शाही टुकड़ों को रबड़ी दूध में भिगो दिया है और ऊपर से हम रबड़ी इस पे डाल रहे हैं। बहुत ही टेस्टी है, बच्चों के फेवरेट होते हैं और सबको ही बेहद पसंद होते हैं। और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मैंने पिस्ते बादाम भी काट लिए हैं और इसको हम गार्निश करेंगे पिस्ते बादाम से। खोए की इसमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसको मैंने इतना दूध को पकाया है और इतनी ज़बरदस्त से इसकी बैटर हमने तैयार करा है कि इसमें बिल्कुल खोए की ज़रूरत नहीं है। खोए वाले वो दूसरे तरीके से होते हैं, किसी दिन वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। और ये हमारे शाही टुकड़ों की फ़ाइनल लुक है और अब हम जा रहे हैं अपने स्पेशल से दिन के स्पेशल दस्तरखान की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जुम्मे का स्पेशल दस्तरखान ज़बरदस्त सा भिंडी गोश्त, साथ में फ्रूट्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त से सीजनल, और ये हमारे शाही टुकड़े। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा लंच होने वाला है, बेहतरीन सी हमारी प्रिपरेशन है। उम्मीद ये है कि आपको हमारी आज की प्रिपरेशन, हमारा आज का लंच बेहद पसंद आएगा और आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इसी के साथ होम मील की शेफ़ आपसे चाहती हैं इजाज़त। न्यू डे न्यू रेसिपी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।